सबसे पहले आपने उसका लोकल एरिया कनेक्शन सेट करना है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 IPv6 को सिलेक्ट करना है। देन आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसका लोकल होस्ट ओपन करेंगे। यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको वो, लॉगिन करने के बाद आप इसमें इसे ओपन करेंगे, एडवांस सर्च में जाएंगे और इसका IP डोमेन सेलेक्ट करेंगे। इसको ऐड किया है, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गए डोमेन इसका। यहाँ दोबारा इसको पासवर्ड अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। एनी एक्सप्लोरर को ओपन किया, उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगी। लिंक की कॉन्फ़िगरेशन में E1+1 का लिंक है। अब इसमें IF चैनल बैंड सेलेक्ट करेंगे जो 28 है, पोलराइजेशन सेलेक्ट करेंगे जो लिंक बजट में दी गई है 13, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन 14 और पावर ट्रांसमिट लिंक बजट के मुताबिक 25 और ट्रांसमिट पावर DBM में 10 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 7170। अब इसको अप्लाई करेंगे। ये सारा आपको लिंक बजट में देखकर, जो आपको कंपनी में किसी में काम करेंगे वो आपको लिंक बजट देंगे, आपका टीम लीड, आपका सुपरवाइज़र, तो उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वही देख देख के आपने पुट करनी, कोई मुश्किल नहीं है। इसको अप्लाई किया अभी तो ये हो गया। अब देखेंगे आपके सामने ये दोनों की पावर ट्रांसमिट वगैरह आपको शो हो रही है। अब न्यू खोलेंगे इसे, इसका वर्किंग मोड फेस डाइवर्सिटी आपने सेलेक्ट करना है। एक हॉरिजॉन्टल के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, एक वर्टिकल के लिए सेलेक्ट करते हैं वर्किंग मोड। ये देखें ये हमें शो हो रहा है वर्टिकल के लिए। ये करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए।